आप सेंट लुइस से तशरीफ लाई, नहायत खूबसूरत कलाम लिखने वाली शायरा, मैं उनके जल्दी से इनके नज़्म के दो शार से इनको मदू करूँगा कि उसके गाल के रंगे शफक का गाजा था, कि गुल महर से लजी शाब से भी ताज़ा था, मैं उसके मरमरी हाथों को छू रहा था अभी, ये मेरे हिजर की तमहीद का तकाजा था। मोहतरमा फरहत शिरी साहब, शिकागो को ईद मुबारक। और लंबी तकरीर थी मेरी, मगर मैं आप छोटी करूंगी, लेकिन आप रशीद साहब का बहुत शुक्रिया, वो मेरी तमाम तर कोताहियों के बावजूद मुझे व्हाट्सएप पर याद रखते हैं और बुलाते भी हैं। और सुखनवर शिकागो का, ताहिरा रिदा का, उन्होंने मुझे चाय ला के दी खबर। और साहिब सदर की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार, 18 बैत की गज़ल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसमें से 3-4 अच्छे शेर और उसके बाद एक मुख्तसर नज़्म, क्योंकि नज़्म मेरे दिल के बहुत करीब है। रात फिर दिल ने तुझे याद किया, कम तो नहीं फैज साहब के फैज से शेर है कि रात फिर दिल ने तुझे याद किया, कम तो नहीं जैसे वीराने में एक फूल खिला, कम तो नहीं। और फिर हवा ढूंढने निकली है किसी शाख पे गुल, फिर हवा ढूंढने निकली है किसी शाख पे गुल, यूं भी खुशबू से तारुफ की खता, कम तो नहीं। और चांद खुद झुक के मिला होगा उन आंखों को, मगर चांद खुद झुक के मिला होगा उन आंखों को, मगर सरे मिशगां ये खिला जख्म नया, कम तो नहीं। और तेरी खुशनूदी से मशरूत रहे लफ्ज मेरे, वाह वाह वाह, तेरी खुशनूदी से मशरूत रहे लफ्ज मेरे, वरना जज्बों को गवाही की सजा, कम तो नहीं। और मेरा वारिस ही मेरे कत्ल में शामिल था कहीं, मेरा वारिस ही मेरे कत्ल में शामिल था कहीं, खूब हाँ खुद को किया उसने अदा, कम तो नहीं। और जर निगारों की सियासी शेर, लेकिन किसी का नाम लिए बगैर, जिस तरह आबिद रशीद ने साहब का, साहब ने कहा कि वो पंजाबी हम कहते हैं कि जेड़ा पन्नो वो भी लाल, तो वो ये शेर है कि जर निगारों की अदालत में अना मुफलिस की, जर निगारों की अदालत में अना मुफलिस की, ताजो मसनद को ये बेवक्त सजा, कम तो नहीं। और यूं भी हर हर्फ की तकदीर कहां इस्मो तलिस्म, यूं भी हर हर्फ की तकदीर कहां इस्मो तलिस्म, मेरे किस्से में तेरा जिक्र जो था, कम तो नहीं। और दश्ते पुरखार में फिर फूट रही थी वो शफक, दश्ते पुरखार में फिर फूट रही थी वो शफक, और उस शाख तेरे आबलापा, कम तो नहीं। और आखिरी शेर है कि गुमशुदा रहने दो अच्छा है कि यूं भी हमको, गुमशुदा रहने दो कि अच्छा है, गुमशुदा रहने दो अच्छा है कि यूं भी हमको, रास्ता पूछने वालों से गिला, कम तो नहीं। और एक बहुत मुख्तसर से, बहुत मेरे लिहाज से बहुत मुख्तसर, क्योंकि मैं काफी लंबी नज़में कहती हूँ और मेरे मियाँ को भी एतराज होता है। लकी पेनी, जो लकी पेनी हम जो रास्ते में पड़ा हुआ सिक्का उठाते हैं, उसके मैंने ये नज़म लिखी है। मुझे चलते हुए अक्सर जमी से गिरे सिक्के उठाने की अजब आदत सी है, मुझे चलते हुए अक्सर जमीन से गिरे सिक्के उठाने की अजब आदत सी है अब भी, बहुत पहले कहीं बचपन के किस्सों में सुना था कि इनका रास्ते में यूं पड़ा मिलना अचानक खुश नसीबी से जुड़ा है, फरिश्ते आसमानों पर हमें जब याद करते हैं तो एक खोया हुआ सिक्का हमारे रास्ते में फेंक देते हैं, यूं ही रास्ता से जाने को हमारे मुस्कुराने को, तुम्हारी याद का मतरूक सिक्का भी यूं ही इन रास्तों में चलते चलते किसी जख्मी परिंदे की तरह मेरे कदमों में आ गिरता है, और मैं हमेशा की तरह झुककर इसे फिर थाम लेती हूँ, बस एक आदत निभाने को
कहीं रख कर इसे फिर भूल जाने को। मेरे घर और मेरे दिल में मुकैद हैं कई यादों के सिक्के, मेरे घर और मेरे दिल में मुकैद हैं कई यादों के सिक्के, दराजों मेज पर मट्टी के गल्लों राखदानों में बुझी सिगरेट के जैसे ये पड़े हैं। इन्हें रखना भी मजबूरी है जाना, इन्हें रखना भी मजबूरी है मेरी, यूं भी जाना वक्त लगता है, पुरानी उलझनों जैसी कोई आदत निभाने को, पुरानी उलझनों जैसी कोई आदत भुलाने को, फरिश्तों के लिखे पर मुस्कुराना भूल जाने को। क्या कहने, नहायत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी डॉक्टर साहिबा, आपके आने का शुक्रिया।